हमें इतनी क्यूरियोसिटी थी ना कि भाई जब भी इस ट्रेन से, मतलब यहाँ से ये ब्रिज पे से जब भी ट्रेन गुजरती थी ना, तो हमें लगता था कि अरे भाई साहब ये आइलैंड पे कभी तो जाएंगे हम लोग। ये सामने है नायगांव वाला जेट्टी। जंगल जलेबी देखो रेड कलर की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेदिका व्लॉग। दिस इज गुड आफ्टरनून और अभी बज रहे हैं 3:30 और आज है 3 मई 2024। फ्रेंड्स मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज एक ख़ास जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे जाने की इच्छा मेरी बहुत दिनों से थी। मतलब मैं हमेशा सोचा करती थी कि ये प्लेस ऐसा है जहाँ पे लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे। तो बस मैं अभी प्रीति का वेट कर रही हूँ कि वो आए, तो मैं वहाँ हम साथ में निकलेंगे वहाँ पे। आज फ्राइडे भी है, आपको तो पता है फ्राइडे जाते हैं, तो एकदम ख़ास जगह है। तो फिर आप वेट कर लीजिए, थोड़ी देर का इंतज़ार है, पहुँच के बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। प्रीति बस आती होगी। धूप बहुत है यार, बहुत भयानक धूप है। देखो मैडम के 4 बज रहे हैं। मैडम 4 बज रहे हैं मैडम के। हाँ एक मिनट। नायगांव वेस्ट ये रोड है, आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा फेरी तक। ये यहाँ से लेफ्ट लेना है, याद रखिएगा, ये पेनकर सोसाइटी आ जाता है और भारत गैस आता है यहाँ यही लेन में। हाँ हमें स्कूटी तो यहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी। कहाँ पे खड़ा करोगे? यहाँ पे कहीं पे खड़ा कर लो। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको बोट मिलेगा और फाइनली मैं आपको बता देती हूँ हम जा रहे हैं पंजू आइलैंड। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था ना वसई फोर्ट के यहाँ से, तो ये रहा वो आइलैंड सामने और ये यहाँ से यहाँ पे बोट उतारेगी। तो ये एक गांव है आइलैंड, तो ये बोट आ रही है पंजू आइलैंड जाने के लिए। तो ये रही हमारी बोट। बोट का टिकट है 10 रुपीज रिटर्न और हर आधे घंटे में रहता है बोट यहाँ पे और लास्ट बोट रात में 10 बजे का।
बरोबर, हाँ हाँ ठीक। तो फाइनली बोट से हम उतर गए हैं। ये पंजू आइलैंड का जेटी है जहाँ पे हमको बोट यहाँ पे उतार देता है। तो फाइनली मैं पहुँच गई पंजू आइलैंड। यहाँ पे कदम रखते ही बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शांति है, एकदम शांति, यानी कि मानोगे नहीं, पीस एकदम लग रहा है। तो यहाँ आते ही आपको ये स्मारक दिखेगा, ये उन सारे वीर हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम हैं। 21 फ्रीडम फाइटर सिर्फ इस छोटे से गांव में से निकले हैं उस समय, मतलब वो टाइम पे, यानी कि हमारे आज़ादी के पहले यहाँ पे सिर्फ 300 लोग रहा करते थे। अब यहाँ का जनसंख्या है 1500, पूरा आइलैंड जो है 600 एकड़ में बनाया गया है। और सामने है शिवाजी महाराज का स्टैचू। चलो एक्सप्लोर करते हैं गांव। सारी दुकान तो बंद है। तो बस ये शिवाजी महाराज के स्टैचू के यहाँ से लेफ्ट लेके अंदर चले जाना है। अभी तो बहुत सारा काम चल रहा है अंदर में, तो ये गलियों में से गुजरते हुए ही हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। तो चलो देखते हैं। हाँ राइट, इधर ये मंदिर है इस गांव का, मतलब 1500 लोग रहते हैं सिर्फ यहाँ पे। कैन यू बिलीव गाइस कि हमारे यहाँ पे ऐसा भी एक आइलैंड है जहाँ पे सिर्फ 1500 लोग रहते हैं। और हमारे वीर मराठा जो थे तब के टाइम से रहते हैं यहाँ पे, तब फैमिली कम थी बट उसके पास तो जनसंख्या बढ़नी ही है। नहीं व्हीकल है यहाँ पे, ये स्कूल है यहाँ की, ये स्कूल है यहाँ की। देखो कितने बड़े बड़े बंगले भाई साहब। ये बंगला, मतलब सारे बंगले ही बंगले हैं। ये थोड़े से आबादी को छोड़ के बंगला बनाया है इन्होंने, रहता है ना कुछ थोड़े। वो सामने भाइंडर है हमारा, डॉगी भाई साहब। वो रहा लोकल ट्रेन, इतना पास में है लोकल ट्रेन। वो रहा भाइंडर। आइलैंड है ना, यहाँ पे सिर्फ नमक की खेती होती है, चावल उगता है यहाँ पे, चावल उगता है। आई बिलीव सो चावल की खेती लगी हुई है वहाँ पे। हाँ वो रहा खेत, चावल का होता है यहाँ पे ज्यादातर। पिक्चर देख के ही लगता है ना बहुत साल पुराना है, मतलब एक अलग दुनिया में आ गए हम लोग आज, अलग ही दुनिया में। एक ये था ना कि यहाँ पे लोग कैसे आते हैं, यहाँ पे लोग कैसे बस गए, इट इज अनदर एक पॉइंट। फ्रीडम, हाँ फ्रीडम फाइटर के टाइम पे ये कोई मंदिर हुआ करता होगा। हाँ मंदिर ही है, मंदिर ही ना। हाँ ये रहा मंदिर ही है, पहले के जमाने का मंदिर। देवता वही है। हाँ मंदिर देखो, पांजू गांव का तालाब, चारों बाजू, मतलब ये जो 600 एकड़ में बना, 600 एकड़ का ये पूरा पांजू गांव है, ये आइलैंड बोल सकते हो। मैं तो आइलैंड ही बोलती थी हमेशा ही, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ वहाँ से दिखाई देता था ना, रेलवे से, ट्रेन से। तो ये इधर का तालाब है, बढ़िया सुंदर। और ये कुआं भी है, कुआं के अंदर ये कौन सा पौधा है? हाँ अच्छा, इसलिए इसको बेशरम का पौधा। ये देखो ये आपका लीची,
जंगल जलेबी खाएगा अच्छा रहता है। जंगल जलेबी देखो रेड कलर की। हम वहाँ से होते हुए आए, मतलब ऑलमोस्ट हम वो पूरा गांव ऐसे कवर करते करते आए हैं। ये तालाब के साथ वाले रास्ते से ही चल रहे हैं। कच्ची पगडंडिया बोलते हैं इसको, है ना। केले का पौधा, कभी कभी एक रोचक जगह पे जाने के लिए अच्छा लगता है ना। ये खेती होती होंगी यहाँ पे, काली मिट्टी वाला जमीन है, है ना। हमें इतनी क्यूरियोसिटी थी ना कि भाई जब भी इस ट्रेन से, मतलब यहाँ से ये ब्रिज पे से जब भी ट्रेन गुजरती थी ना, तो हमें लगता था कि अरे भाई साहब एकदम ना ये आइलैंड पे कभी तो जाएंगे हम लोग। ये कैसा पौधा है क्या मालूम, देखो इसमें फूल कितना सुंदर है। वो टाइम पे लोगों ने कैसा सोचा होगा ना यहाँ पे गुजर बसर करने के लिए। यहाँ से समुंदर का पानी है ना, समंदर में पानी यहीं से चला जाता होगा, है ना। लेकिन काफी शुभ है ना, भरता है लगता। हाँ ये ग्राउंड में तो पानी आता ही होगा, तभी ये रोड इतना ऊंचा कर दिया है ना। पूरा तो नहीं भरता होगा लेकिन पानी भरता होगा। तो यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने, हाँ गवर्नमेंट ने 2 साल पहले मतलब वो एक रहता है ना क्या योजना होती है जिसमें शहरों को मतलब गांवों को विकसित करना है, तो वैसे ये आइलैंड को चुना गया था। तो हॉस्पिटल बन रहा है, पहले रिसॉर्ट वगैरह भी यहाँ पे बनेगा उसके लिए अलग, वहाँ पे समंदर के एकदम किनारे पे रिसॉर्ट का प्लानिंग चल रहा है। ज़मीन वगैरह सब सिलेक्ट हो गया है, बताया वो गाँव वाले ने, तो वहाँ बनेगा आई बिलीव सो। जब हम दोबारा कभी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे रिजॉर्ट बन गया होगा तो ये गांव महंगा गांव हो गया होगा, उस समय महंगा हो जाएगा यहाँ पे, ट्रैवलिंग महंगी हो जाएगी और रहने के लिए लोगों को यहाँ पे रिजॉर्ट होगा, तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा ये। ये रोड है जो सीधे ट्रैक के उधर लेके जाता है, ठीक है। हम लोगों को, हम ये शमशान है यहाँ का, मतलब ये आइलैंड का। और देखो बोट रखे हुए हैं, पुराने भी हो गए। कभी तो जाएंगे इस आइलैंड पे, कभी तो जाएंगे इस आइलैंड पे। और आखिरकार आज वो दिन आ गया और हम लोग इस आइलैंड पे। ट्रैक ना फिर तोड़ दिया गया, वो ब्रिटिश ने बनाया था। पुराना ब्रिज है जो भाइंदर से नायगांव के बीच का जो ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, तो ये पंजू आइलैंड में हम लोग हैं जहाँ खड़े, और वो रहा हमारा ब्रिज जो पुराना, जो टूटा हुआ ब्रिज दिख रहा है, 1864 के टाइम पे बनाया था ब्रिटिश ने। तो ब्रिज इसको निकाल दिया, क्योंकि वो नहीं निकालते तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रात में अब भी वहीं से ट्रैवल करने लगे थे कि चल के आ जाओ, क्योंकि पहले बोट जो यहाँ पे 7 बजे तक ही हुआ करती थी। तो मैंने भी कई बार यहाँ से चलते हुए लोगों को देखा है इस गांव में आते हुए, तो मुझे भी एक क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये गांव है, आइलैंड है, लोग यहाँ कैसे गुजर बसर करते हैं। कभी तो मैं जाऊँगी और आखिरकार मैं यहाँ पहुँच गई। सो दिस इज़ इट। यहाँ पर ये मच्छी बिच्छी के लिए होगा, फिशिंग वाला। फाइनली मैं पंजू आइलैंड के उस लोकेशन पे हूँ जहाँ से मुझे लोकल ट्रेन में से ये आइलैंड दिखाई दिया करता था। नहीं नहीं, रिस्क नहीं लेने का, आप लोग लेते हो। तुम्हारा का सवाई साली है ना, पर ट्रेन ये था ना। हाँ जाते तो ये भाई हमको बता रहे हैं यहाँ से कोई रिस्क नहीं है, लेकिन आप लोग कोई भी ऐसा करे नहीं,
क्योंकि अपना जान जोखिम में नहीं डालने का, क्योंकि हमारे साथ ये भाई है जो इस गांव के ही है, तो वो हमें लेके जा रहे हैं। आखिरकार हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं तो थोड़ा सा करीब से पास से दिखे इसीलिए। हाँ आले 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 भाई तो भी रात वाला दिशल भक्त हो गया और ती है ना बाबा हो आले हाँ पहले ये जो सरल ताला जब तो गैप है वो हाँ तिकड़े तो गैप है ना पर हाँ ट्रेन की दिवार में ओके साइड में है ना ये जाना ट्रेन ना है ना आता आता दिखते का ट्रेन नहीं हाँ ये जो पंजू आइलैंड है ना ये गांव, यहाँ पे जो रहते हैं वो पहले ज़्यादातर ये ब्रिज पे से ही आया जाया करते थे। वो सामने ब्रिज है, यहाँ से ही आते जाते थे। मैं तो वीडियो निकालना है इसीलिए आ गई, लेकिन आप लोग ये गलती ना करें, इन गांव वालों को आदत है। ये लोग जो यहाँ से चल के आ रहे हैं, यहाँ पे इनका हमेशा का आना जाना लगा रहता है। तो ये लोग यहाँ से उतर के, वो पगडंडी आपको दिखाई हमने, वहाँ उतर के वो गांव में अपने चले जाते हैं। तो ये रहा हमारा आगे नायगांव। हाँ हाँ, तो ये वो आगे नायगांव है हमारा ईस्ट, और ये वेस्ट, और ये पंजू आइलैंड। दोबारा बोलूँगी ये गलती कभी नहीं करना कि यहाँ पे इतना ट्रेन के पास में आ जाओ और खड़े हो जाओ और वीडियो वगैरह निकालो, ये गलत बात हो जाती है। हमने ये कोशिश की क्योंकि गाँव वाले हमारे साथ थे, वो भाई साहब जो थे हरीश भाई साहब जो साथ ही यहाँ पे ऊपर तक आए, यहाँ पे छोड़कर वो गए, इसीलिए हम यहाँ पे आ पाए हैं, वरना हम लोग ये डेयरिंग तो नहीं करते। तो ये रहा मेरे पीछे पंजू आइलैंड, जो हमेशा से एक सपना था आने का, आज मैंने पूरा किया आके। तो आई एम सो वेरी हैप्पी। अभी यहाँ से चलते हैं फटाफट, नहीं तो दूसरी ट्रेन आ जाएगी राइट, और फिर हम बोट पकड़ के अपने घर नायगांव। पहले जब मैं स्कूल में थी ना, तभी हम लोग के इधर हम लोग पटरी क्रॉस करके ही जाया आया करते थे। यहाँ से हमको ऊपर चढ़ा के छोड़कर गए, और ये रहा, अब ये पगडंडी से उतर के हाँ जैसे वो वाले, ये वाला वो तो ब्रिटिश ने बनाया था, ये हम लोग ने 1927 अराउंड का टाइम होगा शायद, ये ब्रिज बनाया, उसके बाद वाला वो ब्रिज बनाया। ये पगडंडी है जो हमको वापस है पंजू का, जो हम लोग को बोट लेना है नायगांव जाने के लिए, वो मिल जाएगा, मतलब पंजू का जेट्टी मिल जाएगा हमको यहाँ से जाते जाते, और हम बोट लेके फिर पहुँच जाएंगे। दिस इज वी विथ आइसक्रीम कोन एट पंजू आइलैंड। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये छोटा सा तालाब। अरे मच्छी लोग कैसे उड़ी मार रहे हैं, दिखा वो देखो, है ना वो देखो, ये कितने सारे मच्छी लोग उड़ी मार रहे हैं। कौन सी मच्छी ऐसे जंप करती है, सीधा ही जाएंगे हम लोग। और कौवा मेन रोड बना है, मतलब ये तो उधर ही जाना चाहिए, किसी को पूछ लेंगे। और क्या, वन डे पिकनिक के लिए ये आइलैंड बहुत ही अच्छा है। हाँ लेटर ऑन तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टूरिज्म वाले जो इस पर काम कर रहे हैं तो और मज़ा आएगा आप लोगों को। अभी आपको जाना है तो प्लीज़ जाइएगा, सिर्फ 10 रुपये तो लगते हैं बोट पकड़ के जाने के लिए, रिटर्न मिलता है टिकट, तो आप जाइएगा। मेरा तो हो गया ट्रैवलिंग पंजू आइलैंड का, हमने बोट ले ली, बोट लेके फिर उतर गए और अपनी गाड़ी पे सवार होके हम निकल गए अपने घर के लिए। तो आप अपना अपनों का ख्याल रखिएगा, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।
फ्रेंड्स, ये है नायगांव स्टेशन, वेस्ट का नायगांव स्टेशन। यहीं से आपको ऑटो मिलेगी फेरी और नायगांव जेट्टी पहुंचना है। दैट्स इट। हम तो अपने गाड़ी से गए थे, हम तो नायगांव में ही रहते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।